नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ जोत्सना। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस पर। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, भारत में तबाही मचाने वाला डेल्टा से भी हो सकता है खतरनाक। सऊदी अरब ने भारत समेत 6 देशों के यात्रियों को दी सीधे प्रवेश की अनुमति। इंटरपोल को मिला नया प्रेसिडेंट, यूएई के अहमद नसीर होंगे इंटरपोल चीफ। संविधान दिवस पर संसद के केंद्रीय हॉल में होगा पीएम मोदी का संबोधन, कांग्रेस टीएमसी समेत 14 विपक्षी पार्टियां नहीं होंगी शामिल। मिजोरम के थेंजौर में 6.1 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता बांग्लादेश में भी झटके। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के महापंचायत में पंजाब और हरियाणा से हजारों किसान शामिल। दिल्ली सरकार एमएसपी गारंटी को लेकर विधानसभा में लाएगी प्रस्ताव। भारत रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक आज, क्षेत्रीय सहयोग समेत कई मुद्दों पर होगी अहम चर्चा। जयपुर में सरकारी स्कूल के 2 बच्चे सहित 5 बच्चे संक्रमित, कोरोना एक्टिव केस 150 पार। 7 घंटे की पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच यूनिट से बाहर निकले परमबीर सिंह, कहा कोर्ट पर पूरा विश्वास। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।